गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में एक ऐसा थॉट आ जाता है जो नेगेटिवली हमारे माइंड में सेट हो जाता है, या कभी कभार हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे हम रिलीज तो करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन माइंड में वो चीज चलती रहती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्विच वर्ड शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को, या दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको खत्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप सिचुएशन चल रही है और दिमाग में सिर्फ झगड़े चल रहे हैं, हम उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे, जॉब पर वर्क ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन बार बार लोगों के नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या बोल रही होगी, वगैरह वगैरह। एग्जाम को लेकर हम प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं लेकिन बार बार दिमाग में थॉट आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइस, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, बट इफ यू आर समवन जो किसी नेगेटिव थॉट को माइंड में रख लेता है और निकल नहीं पाता, सडन उस नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकले, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो देखिए, आप कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बस इसे 5 से 6 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ बोलना है और आप उस थॉट प्रोसेस से अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, स्विच वर्ड है कैंसिल। कैंसिल, 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 कैंसिल। कैंसिल एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसे आप बार बार बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है और आप बार बार बोलेंगे कैंसिल, 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 तो आप ऑटोमेटिकली उस थॉट से बाहर निकल सकते हैं। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जो एक नेगेटिव सिचुएशन को टोटली खत्म कर सकता है। और सिर्फ नेगेटिव थॉट ही नहीं, अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस चुके हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस वक्त भी आप सिर्फ कैंसिल, 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 कैंसिल बोलना शुरू कर दो। वो जो भी एक नेगेटिव थॉट है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, वो जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये उस समय आपकी हेल्प कर सकता है। गाइस, सबसे मजे की बात ये है कि आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस चैंटिंग करनी है और मात्र चैंटिंग की हेल्प से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बट हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रेमेडीज बहुत इजी होती हैं, लेकिन इनके ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखते हैं तो प्लीज इसे मत करना, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक करते हैं, पर जब तक आप यूनिवर्स के साथ वो ट्रस्ट नहीं बना पाते, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जितना आपका ट्रस्ट होगा उतना अच्छा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। सबसे बढ़िया बात, अगर मैं आपको बोलूं कि करके छोड़ दो, रेमेडीज करो बिजी हो जाओ, रेमेडीज करो बिजी हो जाओ, फिर देखो इतना मजा आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। नो डाउट शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट जैसे जैसे हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, हमें इनका बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो ट्राई करिए स्विच वर्ड को। ये स्विच वर्ड इतना पॉजिटिव है कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से, किसी भी नेगेटिव थॉट से अपने आप को बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।